हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ की साइंस की एनसीईआरटी की पहली चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है केमिकल रिएक्शंस की डेली लाइफ में, और ये जो पैराग्राफ है ये केमिकल रिएक्शंस की इम्पोर्टेंस को दिखाता है हमारे डेली लाइफ में। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और एक पाउडर को कलेक्ट करते हैं जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कुछ ऐसे होता है, ये एमजी मेटल की जो ये रिबन है इसे हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुई। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाकर रिएक्शन करवाते हैं। तो वो रिएक्शन भी कुछ इस तरह है कि लेड नाइट्रेट जो है यहाँ पे और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों जो कलरलेस हैं और एक्वस स्टेट में है, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें मिला PbI2, और जिसे हम लेड आयोडाइड भी कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड का कलर है ये येलो है और ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, यानी ये सेटल डाउन कर जाएगा, ये इनसॉल्यूबल होगा उस सॉल्यूशन में। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसे कि अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो तीसरी एक्टिविटी दी हुई है ये इस रिएक्शन के बारे में दी हुई है, जिसमें कि हमने एक कोन ले लिया है, फ्लास्क ले लिया एक, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल को डाल दिया है। अब ये मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में रिएक्शन को दिखाता है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती है, ये भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखता है इस पैराग्राफ में, जिसमें कि कहा गया है जो चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो चेंजेस होते हैं, वो ये कुछ चार चेंजेस होते हैं। चेंज इन स्टेट आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड था, ये लिक्विड था और यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हुई ही। और चेंज इन स्टेट हम और आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, चेंज इन कलर भी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कुछ देर पहले चेंज इन कलर की जो रिएक्शन है उस पर डिस्कस की थी। ये देखिए, ये कलर लिस्ट थी और ये येलो हो गई, तो यहाँ चेंज इन कलर हुआ। चेंज इन टेम्परेचर अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ केमिकल इक्वेशन के बारे में दिया गया है, केमिकल इक्वेशंस की ज़रूरत क्यों है ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है वे टू राइट इक्वेशंस। पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस दो टाइप्स की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केल्टर केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखने की ज़रूरत ही क्या है। तो पहले बात करें तो जिंक प्लस सल्फरिक एसिड ऐसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे एक छोटा कर दिया गया है। तो जिंक का सिंबल ZN होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 होता है। तो अभी ये दोनों कंबाइन किए तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 और प्लस H2, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरह लिखा जाए, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें इस तरह लिखना है कि ये जो इधर की तरफ जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इधर की तरफ एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एटम इधर वाली एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। जैसे कि आप देखो ZN की यहाँ पे एक एटम है, तो यहाँ भी ZN की एक एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन की दो एटम है तो यहाँ भी दो एटम है, यहाँ पे सल्फेट की एक एटम है
यहाँ भी सल्फेट की एक एटम है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने की प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस ये है कि सेलेक्ट द कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, हमें वो कंपाउंड चुनना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट द एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसे हमें सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हम कुछ इस तरह से इसे बैलेंस कर सकते हैं। फिर हमें LHS में जितने एटम्स हैं उसके उस एलिमेंट के, हमें उसे RHS के बराबर करना है। हमें हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि हम जो हैं वो केमिकल फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा इस पे कोफिशियंट डाल सकते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम आगे में दे सकते हैं, इसके आगे में किसी कोफिशियंट को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिएक्शन। ये जो है कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को फास्ट या स्लो करवाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। अब यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रिएक्शन कंडीशन जो होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, उसे जो है इस एरो के अबव अक्सर बताया जाता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं CO+2H2 340 ATM के प्रेशर पे CH3OH बन जाता है। और यहाँ फोटोसिंथेसिस की इस रिएक्शन को भी आप देख सकते हैं। अब आ गया हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि दो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक, यानी टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं, जो इस साइड में जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं इसका, CaO+H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहीं पे हमारा एक टॉपिक आ जाता है जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये काफ़ी सिंपल सी बात है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट रिलीज होती है, हीट इज़ रिलीज्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और रिएक्शन होती है जो कि इसके जस्ट उलट है, और वो है इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है, इंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आपने यहाँ भी आप देख सकते हो, और आपने यहाँ पे भी देखा था, ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप अपने मुंह के पास हाथ को लाएंगे तो आप अपनी ब्रेथ को, जो आप ब्रेथ आउट करते हो उसे आप वार्म फील करोगे। अब आ गया हमारा दूसरा रिएक्शन जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उलट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो रिएक्टेंट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते थे, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ जस्ट उलट होता है, यहाँ एक ही रिएक्टेंट रहता है और वो डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको जिसमें कि FeSO4 फेरस सल्फेट को हीट करके फेरिक ऑक्साइड और SO2 SO3 में बदल दिया गया है। ये सेम एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है,
यह भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया और फिर लेड ऑक्साइड को ऑब्टेन किया, जो कि आप इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे देख सकते हो। ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये PbO लेड ऑक्साइड में बदली और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकली और O2 भी निकली, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन और लेड ऑक्साइड का कलर येलो और लेड नाइट्रेट का कलर वाइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे आप ज़रूर याद करना। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि फोटो यानी कि लाइट का यूज करके कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज करती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अंजाम देती है। दूसरा जो है हमारा वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसका कि एग्जांपल हम जल्दी देखने वाले हैं। और तीसरा है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि हीट को एब्जॉर्ब करके कोई भी कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अंजाम देती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके वाटर डिकम्पोज कर रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन जो है वो हाफ ऑफ अमाउंट में है। तो ऐसा क्यों है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाफ ऑफ अमाउंट में इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखोगे वाटर का फॉर्मूला लिखो, H2O होता है, तो इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एक एटम, तो इसका रेशियो 1:2 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 है, तो इसीलिए यहाँ पे हाफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड को हम लोग फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करके सिल्वर और क्लोरीन गैस पा सकते हैं, जिसमें कि AgCl जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड है और ये वाइट कलर का होता है, और सनलाइट में जाने के बाद ये जो क्लोरीन गैस है वो डिकम्पोज करके, ये जो इसमें क्लोरीन है ये डिकम्पोज करके क्लोरीन गैस में बदलता है और वो इवोल्व करता है क्लोरीन गैस, और ये जो बच जाता है वो सिल्वर होता है ग्रे कलर का। तो अब हम बात करेंगे तीसरे रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में जाकर उस मेटल को डिस्प्लेस करता है, वही एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है, मेटल ए है जो कि मेटल बी से हाईली रिएक्टिव है। तो अब हम मेटल सॉल्ट बी लेंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेटल सॉल्ट ए प्लस मेटल सॉल्ट बी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें कि FeCuSO4 में Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, यानी इसका एक आयन इसमें आ जाए और इसका एक आयन इसमें आ जाए, तो हम
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रिएक्शन कर सकते हैं उस रिएक्शन को। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे SO4 जो सल्फेट आयन है वो बेरियम में आ गया। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में जो आया है वो बेरियम में आ गया है सल्फेट आयन, और ये जो क्लोराइड आयन है ये सोडियम में आ गया है। यहाँ पे देखिए आप, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और ये एक प्रीसिपिटेशन रिएक्शन भी है जिसमें कि बेरियम सल्फेट जो है एक वाइट प्रीसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है और NaCl सॉल्यूशन में ही रहता है। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीजन की एडिशन होती है किसी एलिमेंट में या फिर हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है। आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन की एडिशन, या तो ऑक्सीजन उस एलिमेंट में ऐड होगा या हाइड्रोजन उससे निकलेगा, तो इन दो कंडीशंस में हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। और ठीक उसी के उलट रिडक्शन रिएक्शन जो है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का, और नहीं या ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में हो तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे पहले आप देखो कि यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें कि Cu में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ऑक्सीजन के कारण। तो हम लिख सकते हैं Cu इज ऑक्सीडाइज टू CuO। और हाँ, ये जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो ऑक्सीजन को लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे इस रिएक्शन को देखो, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों टेक प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो CuO जो है ये Cu में बदल जा रहा है रिएक्शन के बाद। तो CuO के पास ऑक्सीजन थी, इसने H2 को ऑक्सीजन दे दिया, तो CuO के पास ऑक्सीजन थी तो CuO ऑक्सीजन का सप्लायर हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ये Cu में बदल गया, तो इससे ऑक्सीजन निकल गई, तो इसको रिडक्शन कहेंगे। ये CuO रिड्यूस हो गया Cu के फॉर्म में, और H2 जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो हम लिखेंगे कि H2 ऑक्सीडाइज हो गई, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम रिएक्शन में हुई, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल टॉपिक की, जो कि है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन जो है यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कोई भी मेटल जो होती है, कोई भी मेटल जब वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट जो होते हैं मॉइस्चर ऑक्सीजन ये सब जो होते हैं उससे अटैक्ड हो जाते हैं, मतलब कि उसके कारण डैमेज होना शुरू होने लगते हैं। जैसे कि आप कोई मेटल पे एसिड फेंक दो तो वो कोरोजन कहलाएगा, यानी कि वो कोरोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती है तो वो एक कोरोजन का फॉर्म है, वो जो रस्ट हो जाता है आयरन रस्ट के फॉर्म में जो बदल जाता है वो कोरोजन का एक फॉर्म है। और यहाँ एक और एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो अगर आपने देखा होगा कि सिल्वर छोड़ दिया जाता है ओपन एटमॉस्फेयर पे तो उस पर एक ब्लैक कोटिंग सी आ जाती है, और कॉपर पे भी कुछ ऐसा ही होता है, तो ये कोरोजन के कारण होता है। रेंसिडिटी फाइनल टॉपिक, आपने अक्सर देखा होगा या ना देखा होगा, लेकिन अगर आप कोई भी फूड को जिसमें कि फैट और ऑयल है उसे आप एक्सपोज कर दोगे, मतलब ओपनली रख दोगे, तो उससे कुछ बैड स्मेल या फाउल स्मेल, और वो टेस्ट भी बैड करेगा और उससे फाउल स्मेल आने लगेगी, तो ये रेंसिडिटी के कारण होता है। तो
एक्चुअल में होता क्या है कि वो उसमें जो चिप्स होती हैं, वो जो चिप्स होती है, चिप्स के अंदर जो ऑयल और फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए वो टेस्ट बैड करता है। तो हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेज़र्स भी दी हुई हैं, और जैसे कि चिप्स और कुरकुरे की जो बैग्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन से कोई कांटेक्ट ना हो और वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। कई फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाला जाता है। तो ये कुछ मेज़र्स यहाँ पे दी हुई हैं, और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपको करने हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।